नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप आज लेंगे शपथ। 70 वर्षीय ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ पहुंचे वॉशिंगटन। समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे लेंगे पद की शपथ। कई बॉलीवुड हस्तियां भी होंगी शामिल। नेपाल में चीन की भूमिका पर चीनी मीडिया ने दी सफाई। चीन के एक समाचार पत्र ने लिखा, भारत को इस मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए कि चीन दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को कम करने की कर रहा है कोशिश। नई दिल्ली और बीजिंग काठमांडू के बुनियादी अवसंरचना के विकास में कर सकते हैं मदद। अब हॉलीवुड फिल्मों की तरह अंतरिक्ष में ही मिसाइलों को नष्ट कर सकेगा इजराइल। अब तक सिर्फ अमेरिका के पास थी ऐसी तकनीक। प्रणाली को विकसित करने में इजराइल ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग की ली मदद। ब्रिटेन में एक सूटकेस में मिला भारतीय मूल की महिला का शव। हत्या के संदेह में पुलिस ने पति को लिया हिरासत में। लिसेस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में किया जाएगा पेश। एनएसजी मामले में चीन के तंज पर भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। भारत ने कहा, तोहफे के तौर पर नहीं मांग रहे एनएसजी की सदस्यता। जिम्मेदार परमाणु शक्ति के आधार पर भारत एनएसजी सदस्यता का है हकदार। और पाकिस्तान ने यूएन में फिर आलापा कश्मीर राग। संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ अपनी पहली बैठक में भारत पर लगाया माहौल बिगाड़ने का आरोप, लेकिन मुद्दे पर पाक को नहीं मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।